नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। बात करेंगे बिहार में बाढ़ की। तो बाढ़ जो है धीरे धीरे हमें डरा रही है। बिहार के कई जिलों में प्रलय मचाने को बाढ़ तैयार है। पटना में गंगा डरा रही है कई घाटों पर। आपको बताएं कि 2016 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। वहीं गंडक, कोसी, घाघरा, सोन सभी जगहों पर वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। पटना में गंगा डरा रही है। जल हर पल खतरे के साथ बढ़ रहा है। कई घाटों पर 2016 का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। बताएं, रिकॉर्ड तोड़ने को बेताब, गंगा को काबू में लाना मुश्किल दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि शहर भी पानी पानी हो सकता है, होता दिखाई भी दे रहा है। पटना में कई घाट ऐसे हैं जहां 24 घंटे में 5 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। प्रशासन गंगा की बढ़ती रफ्तार को देखकर राहत एवं बचाव की तैयारी में भी जुट चुका है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुआयना लेने पहुंचे थे। जगह जगह घाटों का मुआयना ले रहे थे और वो भी चिंतित हैं, क्योंकि ऐसा जो नज़ारा देखने को मिला, जो चीज़ें देखने को मिल रही है, वो डरा देने वाली है। हाथीदह में गंगा 24 से 48 घंटे में रिकॉर्ड जलस्तर को पार कर रही है। 2016 में गंगा 43.17 मीटर पर पहुंच गई थी। बुधवार रात 11 बजे यहां जलस्तर 43 मीटर पर था, जो अपने उच्चतम जलस्तर से मात्र 17 सेंटीमीटर कम था। गुरुवार तक इसे 43.22 मीटर को पार कर जाने की संभावना भी बताई जा रही है। यह गंगा ने 2016 में 1971 का रिकॉर्ड तोड़ा था, तब यहाँ 43.15 मीटर का रिकॉर्ड था। वहीं गांधी घाट की बात कर लेते हैं और देघा में भी बात करें तो वो भी पुराने रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। दूसरी ओर मौसम विभाग पटना समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जता रहा है। बक्सर में बुधवार को फिर से 46,000 क्यूसेक पानी अधिक आया है। देर रात 9.40 लाख क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा था। गंडक, कोसी और घाघरा के साथ साथ सोन के जलस्तर में भी बढ़ोतरी बताई गई है। इसके बाद की स्थिति और गंभीर होने की आशंका भी की जा रही है। वीरपुर बराज पर कोसी, वाल्मीकि बराज पर गंडक और इंद्रपुरी बराज पर सोन के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। का पानी गंगा का ही जलस्तर बढ़ाएगा और ऐसी बातें कही जा रही है। सीएम नीतीश भी इसको लेकर चिंतित हैं। सहायक नदियां भी मुश्किलें बढ़ा रही है। बढ़िया के 5 नए वार्ड में पानी घुस गया है। बेतिया में हरहा नदी उफनाई पड़ी है। 430 घरों पर खतरा बढ़ चुका है। तो अब चिंताजनक विषय है बाढ़, और बाढ़ सिर्फ बाहर बाकी जिलों में नहीं बल्कि पटना को भी डरा रही है। गंगा नदी का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। आप अगर तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि पटना में किस तरह की स्थिति है। वहीं अगर हम बाकी घाटों की बात कर लेते हैं, शमशान घाटों की भी बात कर लेते हैं, तो वहाँ ऐसी स्थिति है कि चिता जलाने को भी जगह नहीं बच रही है। पानी ऐसे बढ़ चुका है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पर बॉडीज को जलाया जाए। और यह विषय बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि 2016 में 1973 का रिकॉर्ड टूटा था और अब एक बार फिर से यही आशंका जताई जा रही है। फिलहाल बहुत ही संभल कर रहने की ज़रूरत है। राहत कार्य भी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और अब उम्मीदें भी जताई जा रही है कि अगर बारिश थमती है या बाकी जगहों पर जलस्तर थोड़ा थोड़ा भी घटता है तो ही हम खतरे के निशान के नीचे जा सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।